गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस वीडियो चैप्टर फाइव है हमारा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इसके कीवर्ड्स पढ़े थे, राइट। आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के, एक्सरसाइज, राइट। हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए थे कल, आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमको मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने बताया था कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे पल्सेस में स्टोन्स आ गए, पत्थर वगैरह आ गए, छोटे छोटे से, वो बॉडी के हार्मफुल होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों होती है। क्या करना है, गिव टू एग्जाम्पल्स, हमें दो एग्जाम्पल भी देने हैं, क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया, अब हम इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फॉर सेवरल रीजंस। हमें आवश्यकता होती है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की, राइट। हमें आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, कंपोनेंट में से, मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने की। इसके क्या है, सेवरल रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज। अनवांटेड जो हम नहीं चाहते वो भी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं फ्रॉम द सब्सटेंस। सब्सटेंस में जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं, राइट। फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंस। सब्सटेंस में से अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करते हैं, फर्स्ट, क्लियर। सेकेंड, रिमूवल ऑफ द सब्सटेंसेज That are unsafe and harmful for health. तो कुछ substance में से हम harmful और unsafe जो होता है उन्हें भी हम remove करते हैं। जैसे pulses में हम stone को अगर खा लेते तो हमारी body में जाके वो effect करेगा, harmful होता है हमारी body के लिए, unsafe होता है, उसको क्या करते हैं, remove कर लेते हैं, clear। Second point भी, removal of those substances that are unsafe and harmful for health, clear। Example है, rice is सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के थ्रू मतलब कटाई के थ्रू चावल के दानों को, चावल को अलग करना किसमें से, स्टॉक में, स्टॉक में डंठल में से चावल को अलग करना, क्योंकि डंठल हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, राइट। अनयूजेबल है, हम यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो क्या, राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक में से राइस को सेपरेट करना किसका एग्जांपल है, सेपरेट ऑफ कंपोनेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क के चर्न, मिल्क चर्न में मथा जाता है, मथना होता है ना, जैसे मिल्क को मथा जाता है, टू सेपरेट द बटर, किसको अलग करने के लिए, बटर को अलग करने के लिए, राइट। मिल्क के चर्न टू सेपरेट द बटर, मिल्क को मथा जाता है किसके लिए, बटर के लिए, गिविंग अस बटर एज वेल एज बटर मिल्क। और जैसे कि बटर में से हमें बटर मिल्क भी मिलता है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि एक तो वो अनसेफ होते हैं, राइट, और हमको यूज़ नहीं, अनसेफ होता है एंड और हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, राइट। एंड फर्स्ट में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, अनवांटेड होते हैं, मतलब जिसको हम अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है उसको हम रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल क्या था, चावल के दानों को डंठलों में से अलग करना, राइट। राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। एंड सेकेंड क्या था, मिल्क की चन चन मिल्क को मथा जाता, टू सेपरेट द बटर, गिविंग अस बटर एज वेल एज बटर मिल्क, बटर के लिए हम मिल्क को चन करते हैं, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, वेयर इट इज़ यूज, वेयर इज इट यूज, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लियर। विनोइंग का मैंने आपको कीवर्ड में बताया था, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, वो क्या कहता था, विनोइंग। इसका यूज़ क्या, कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, किसके लिए करते हैं, चावल के, गेहूं के दानों को अलग करने के लिए, राइट, क्लियर। क्वेश्चन थर्ड क्या था हमारा, क्वेश्चन थर्ड था, व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग क्या होता है और इसका यूज़ बताना था, क्या बताना था, विनोइंग और इसका यूज़ बताना था। विनोइंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करना क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता
है। क्लियर। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। वह तरीका, वह मेथड ऑफ सेपरेटिंग जो सेपरेट करता है कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। क्लियर। यूज क्या होते हैं इसके? दिस इज जनरली यूज बाय फार्मर्स। इसको कौन जनरली तरीके से कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू सेपरेट, अलग करने के लिए लाइटर हस्क, हस्क मीन्स लाइटर हस्क भूसा, इसका हिंदी में है भूसा, हस्क टाइप, व्हाइट कलर के जो टाइप्स नहीं होते हैं, हस्क और चाफ पार्टिकल्स, चाक के कण, फ्रॉम द हैवियर सीड्स, किसमें से? भारी बीजों में से, ऑफ ग्रेन, किसके? अनाज के, इन द फार्म्स, फार्म्स के अंदर। इसको यूज क्या किया जाता है? फार्म्स के अंदर जनरली इसको फार्मर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? सेपरेट करने के लिए क्या? चाफ पार्टिकल एंड हस्क को, किससे? हैवी सीड्स ऑफ ग्रेन, हैवी सीड्स ऑफ ग्रेन, अनाज के बीजों से हस्क और चाफ के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर विनोइंग। क्वेश्चन थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। इसमें ये बताया गया है कि हम कुकिंग करने से पहले दाल में से पत्थर को या फिर डर्ट पार्टिकल्स और हस्क को अलग क्यों करते हैं? राइट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ अ पल्सेस बिफोर कुकिंग। दाल को पकाने के लिए मतलब बिफोर कुकिंग से पहले हम उसके हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव क्यों करते हैं? आंसर है, हस्क और बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स, हस्क और बड़े जो पीसेस होते हैं डर्ट पार्टिकल्स के कैन बी रिमूव्ड, रिमूव करते हैं फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस, किसके? दालों में से। आइदर बाय हैंड पिकिंग, किसके थ्रू करते हैं हम अलग उसको? हैंड पिकिंग के थ्रू अलग करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट, किस तरीके से अलग करेंगे हम हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को? तो किसके थ्रू करेंगे? हाथों के थ्रू, हैंड पिकिंग, और बाय वॉशिंग फॉलोड बाय, और किसके बाद? हैंड पिकिंग के द्वारा दाल और दाल के कंकड़ वगैरह पत्थर को उनको अलग कर देंगे, लेकिन उसमें हस्क होंगे या किस तरह डर्ट होगी वो किस तरीके से रिमूव करेंगे? वॉशिंग के थ्रू, बाय वॉशिंग फॉलोड बाय किसके थ्रू? सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, किसके थ्रू अलग करेंगे? सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन के थ्रू हम अलग करेंगे। राइट, हस्क और बिगर पार्टिकल्स को हम किसके थ्रू? हैंड पिकिंग के थ्रू अलग करेंगे हाथों के द्वारा, उसके बाद वॉश करेंगे, वॉशिंग किसके थ्रू करेंगे? फॉलोड किसको करेंगे? सेडिमेंटेशन डिसेंटेशन के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड? सीविंग क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? सीविंग का मीन्स होता है किस तरीके से सीविंग को छाना जाता है, किस तरह सीविंग होता क्या है, उसको यूज, इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन के निर्माण में, मतलब बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना निर्माण करने के लिए, हम देखते हैं जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का निर्माण होता है तो हम क्या करते हैं, वो जो वहाँ पे काम करते हैं लोग वो किस तरीके से उसको बजरी को छानते रहते हैं, तो बजरी नीचे आ जाती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, तो सीविंग का यूज़ वहाँ कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है। राइट, वापस से देख रहे हो, विनोइंग, विनोइंग क्या होता है? वह मेथड जिसमें मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? विनोइंग। यूज़ क्या किया जाता है? फार्म्स में फार्मर यूज़ करते हैं किसके लिए? हैवी सीड्स ऑफ ग्रेन को अलग करने के लिए, किसको? हस्क और चाफ पार्टिकल्स को। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। किस तरीके से हस्क और डर्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे? हैंड पिकिंग के थ्रू, एंड वॉश करेंगे किसके थ्रू? सेडिमेंटेशन डिसेंटेशन के थ्रू। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड, सेकेंड एंड क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ हमने देखा था, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है? राइट, हम देखेंगे सीविंग। सीविंग इज अ मेथड, सीविंग वह मेथड है यूज टू सेपरेट, जिसको जो सेपरेट करता है पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग सीव। क्या करता है? अलग अलग तरीके के साइज के पार्टिकल्स को अलग करता है किसके थ्रू? यूजिंग सीव के थ्रू। सीव में एक छलनी होती है उसके थ्रू क्या करता है? अलग करता है। राइट, सीविंग क्लियर हुआ। सीविंग क्या है? सीविंग इज अ मेथड, सीविंग वह मेथड है जिसको यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए किसके? डिफरेंट अलग अलग तरीके के साइज के पार्टिकल्स को, कण को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, वह क्या कहलाता है? सीविंग। यूज कहाँ कहते हैं इसको?
मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन में एज द कंस्ट्रक्शन साइट्स में टू सेपरेट, कहाँ यूज करते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्शन साइट्स में टू सेपरेट पेबल्स, पेबल्स मीन्स कंकड़ होते हैं, कंकड़ पत्थर को, एंड स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, सैंड में से स्मॉल स्टोन एंड पेबल्स को अलग करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, सेविंग को यूज़ किया जाता है। क्लियर, सेविंग का कहाँ यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और कैसे करते हैं उसको, पेबल्स एंड स्टोन को अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए सेविंग का यूज़ किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, किस तरीके से आप सेपरेट करोगे सैंड एंड वाटर को, मिट्टी और पानी को, फ्रॉम देयर मिक्सचर, मिश्रण में से। हम देखते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन, राइट। पहले तो क्या करेंगे हम, सेडिमेंटेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखो, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एडेड, जब हम मिट्टी में पानी को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी का जो नीचे बैठ जाती है वो क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। देखिए, हम देखते हैं मिट्टी का हल्का हल्का पानी फिर भी थोड़ा उसी कलर का रहता है, तो डिसेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। व्हेन द वाटर, जब पानी इज रिमूव, दिस प्रोसेस मीन्स अलॉन्ग विद द डस्ट, पानी से डस्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, डिसेंटेशन। क्लियर हुआ क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, हाउ विल यू सेपरेट एंड सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, किस तरीके से हम सैंड एंड वाटर को, वाटर में से सैंड को किस तरीके से मिक्सचर में से अलग करेंगे। क्लियर हुआ बेटा, सेडिमेंटेशन के थ्रू एंड डिसेंटेशन के थ्रू, राइट। क्वेश्चन फोर्थ वापस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, सेविंग इज अ मेथड यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग सीव, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग करते किसके थ्रू, सीव के थ्रू, वो क्या कहलाता है, सेविंग। यूज कहाँ होता है इसका, कंस्ट्रक्शन साइट में, कैसे सैंड में से पेबल्स एंड स्टोन को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, किस तरीके से सेपरेट करेंगे, डिसेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू। आज हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेके क्वेश्चन फिफ्थ तक पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।